खोखर बरादरान के गिर्द घेरा तंग। एलडीए और रेवेन्यू बोर्ड ने खोखर बरादरान की जमीनों का रिकॉर्ड तैयार कर लिया। पुलिस ने भी एलडीए और रेवेन्यू बोर्ड का तैयार करदा रिकॉर्ड मांग लिया। लाहौर का व्हाइट हाउस खतरे में। जॉर्ज टाउन में अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर की रिहाइश गाह खोखर पैलेस गैर कानूनी होने का इंकशाफ। एलडीए कंट्रोल्ड एरिया में बगैर मंजूरी तामीरात की गई। लाहौर न्यूज ने हकायक से पर्दा उठा दिया। चीफ जस्टिस के अहकाम के बाद एलडीए की इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट तैयार। खोखर पैलेस के बिलमुकाबिल सरकारी अराजी पर कब्जे का मामला। एलडीए का जौहर टाउन में ऑपरेशन। सैकड़ों के नाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर ब्लॉक में वाकया 1000 के नाल अराजी। बजाहिर नजर आने वाली झुग्गियां कीमती सरकारी अराजी पर कब्जा करने की आड़ में पहले मरहले के तौर पर लगाई जाती हैं। एलडीए बासर अफराद को झुग्गियों का किराया अदा करते हैं मकीन। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और डिप्टी मेयर वसीम कादिर की होने वाली आपसी बदमजगी का नतीजा। पार्टी में एक और दरार। वसीम कादिर ने भी नून लीग को खैरबाद कह दिया। माजरा क्या है पहले हमजा शहबाज से पूछें, वो हकीकत नहीं बताएंगे तो मैं बोलूंगा। वसीम कादिर हमजा शहबाज ने 40 बल्दियाती नुमाइंदों की मौजूदगी में बरहम होते हुए वसीम कादिर को पानी की बोतल दे मारी थी। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। माली फवायद हासिल करने और मनपसंद अफराद को नवाजा गया। आशियाना इकबाल केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। नैब ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के खिलाफ 100 से जायद सफात पर मुश्तमिल रेफरेंस तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान यूसफ भी कब्जा ग्रुप की फहरिस्त में शामिल। शहरी ने घर पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त नैब को जमा करवा दी। अली इमरान ने 96H मॉडल टाउन बुलाकर गन पॉइंट पर घर अपने नाम करवाया। झूठे केस में फंसाकर जुर्माने के तौर पर 19 लाख रुपए भी तलब किए। शहरी ताहिर खान का इल्जाम। और फिल्म स्टार गुलाम मोहियुद्दीन को पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनाने का फैसला। समरी मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। इससे कबल शुएब बिन अजीज बतौर चेयरमैन अपनी खिदमात पेश कर रहे थे।